अब हमारा साथ रहना नहीं हो पाएगा। रिश्ते तभी अच्छे हैं जब दूर दूर रहे। भैया बाला, सही निर्णय लिया तुमने। इस घर में भीम के साथ रहना और अपने जीवन में परेशानियों को आमंत्रित करना एक बराबरी है। आई आप बिल्कुल भी नहीं बदली ना। भीम को लेकर आपके मन में अभी भी चिढ़ है। मिटा दीजिए उस चिढ़ को। वो सब खुश नसीब है जो यहां भीम के साथ इस घर में रहते हैं। मुझे मेरी किस्मत पर अफसोस है। वो सब खुश नसीब है जो यहां भीम के साथ इस घर में रहते हैं। क्या सोच रहे हो? खुश हो रहे हो? लग रहा है बहुत बड़े आदमी बन गए हो तुम, क्योंकि ये सब सातारा वाले लोग आए हैं तुम्हारे, तुम्हें बधाइयां देने, शुभकामनाएं देने, तुम्हारा सम्मान करने। लेकिन इन लोगों की तरह मैं तुम्हें शुभकामनाएं नहीं दे सकती, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हें बद्दुआ ही दूंगी। नहीं, मत दीजिए मेरे बीवा को बद्दुआ, मत दीजिए मेरे बीवा को बद्दुआ। हाथ जोड़ के पैर पकड़ दो आपके, जैसा मत कीजिए, जैसा मत कीजिए, मत दीजिए मेरे बीवा को बद्दुआ। क्यों, नजरें चुका ली तुमने भी? शर्म आ रही है? शर्म आ रही है कि तुमने जीवन में ऐसा कुछ भी हासिल नहीं किया है कि जिस उपलक्ष में तुम्हारे सम्मान में इतना बड़ा त्योहार मनाया जा रहा है? ऐसा नहीं है। लेकिन एक बात बताऊं भी, तुम जैसा बेटा कभी शर्मिंदा हो ही नहीं सकता, क्योंकि शर्म है ही नहीं तुम में। ऐसा मत कहिए बीवा को। क्यों, बुरा लग रहा है क्या? आज तुम्हारा जन्मदिन है तो तुम्हें क्या लगा कि तुमसे मीठी मीठी बातें करूंगी मैं, सबकी तरह बधाइयां दूंगी तुम्हें? गलत सोचते हो तुम। समझ गई, मैंने हमेशा तुम्हें सिर्फ और सिर्फ बद्दुआ ही दी है। नहीं, नहीं। और मेरे मरते दम तक बद्दुआ ही दूंगी तुम्हें। ऐसे मत कीजिए, ऐसे मत कीजिए। मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके हाथ, मत दीजिए मेरे बीवा को बद्दुआ। बेशरम।
भीमा हताश मत हो, हताश मत हो ना। याद है मैंने तुम्हें कहा था, जब तू बड़ा होगा तो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए संघर्ष करना। देख भैया, तुझे रोना नहीं है, तुझे खुश रहना है, जीवन में बहुत बहुत काम करना है, अपनों के लिए नहीं दूसरों के लिए। तू वही कर रहा है। सही कर रहा है। तुझे कोई बद्दुआ नहीं लग सकती, कभी नहीं। आई आई बद्दुआ उनकी लगती है जो हमें कुछ मानते हैं। ये मुझे कुछ मानती ही नहीं है, बद्दुआ क्या लगेगी। और फिर आपकी दुआएं है ना मेरे साथ, है ना? हाँ? आई आपकी दुआएं पूरी दुनिया की बद्दुआओं पर भारी है। आई अरे अरे बस बस भीमराव अंबेडकर ऐसे रोते हुए अच्छा लगता है? हाँ बस ओके। रोने तो क्या करूं भाई, आपको पता है, आपको पता है आपके जाने के बाद मेरे साथ क्या क्या हुआ है। सब पता है भीमा, सब पता है। बस तुझे ये पता नहीं है अपने बेटे के साथ जो कुछ भी होता है ना, हर आई को पता होता है। आई आई अरे क्या हुआ आपको आज? कुछ नहीं। चलो आराम से संभाल के यहाँ पर चल। नंदू मनोहर ये भी यहाँ पे रख दो आप। हाँ काका आराम से उठाना। अधे मतलब मेरी पूरी लकड़ी जला दी तुम लोगों ने, वो भी भीमराव के जन्मदिन का भोज करने के लिए। कहां काका, आपकी लकड़ी तो छुई भी नहीं है इन लोगों ने। छुई भी नहीं और जला भी डाली, मतलब बेशर्म हो तुम लोग भोज कर रहे हो। ऐसा है ना हितेश, तू जा अपने घर जाके आराम कर, मैं तुझे लकड़ी दे दूंगी। हाँ मिल जानी चाहिए मेरी लकड़ी। हाँ हाँ मिल जाएगी, पहुंचवा देना। तुम दोनों है ना खाना परोसने की तैयारी करो, मैं उसे जरा लकड़ी देकर आती हूँ। काका आराम से उठाइएगा। राम जी
अब खाने की तैयारी करते हैं। ये खाट उठा देते हैं, चादर बिछा देते हैं। हाँ यही ठीक रहेगा। अब करो भोज सब। भीम, बहुत ही स्वादिष्ट खाना है, मजा आ गया। सेठ जी, भीम का ये जन्मदिन हमें जिंदगी भर याद रहेगा। सही कहा मंगेश तुमने। मंगेश काका, सेठ जी, सब निपटोगे एक एक करके? अभी तक खबर नहीं आई कि सत्तारा वालों में से कोई मरा कि नहीं। जी, आपके लिए खाना परोस दो। पहले भोज की खबर आने दो, फिर भोजन भी कर लेंगे। मालिक, दो लोग निपट गए, बाकी के सब लोग धीरे धीरे निपट जाएंगे। शाबाश जी। निपट गए मतलब? भीमराव के जन्मदिन के भोज में जहर मिला दिया गया, बस वही जहर खाने से दो लोग निपट गए, मतलब कि मर गए। ये तो बहुत गलत कर रहे हैं जी आप। ऐसे किसी की जान लेना सही नहीं है। आप भगवान से बिल्कुल नहीं डरते? डरते हैं ना, मगर तू जो है ना अपने पति से नहीं डरती। पहली बात ये याद रख कि तू अपने पति से डर, क्योंकि पति से डरते डरते मरना ही पत्नियों की नियति होती है। और दूसरी बात, जाकर हमारे लिए भोजन लगा, क्योंकि भोजन करने के बाद हम वहां जाकर देखेंगे कि कितने लोग मरे। क्या है कि आज तक हमने किसी के जन्मदिन के जश्न में महत्व नहीं देखा है। और तू एक बात याद रखना, आज के बाद बीच में बोली ना तो तेरे भोजन में जहर मिला के तुझे निपटा देंगे। चल जा। जन्मदिन के दिन मृत्यु का उत्सव, भीमराव हमसे दुश्मनी तुझे बहुत महंगी पड़ेगी। अरे मैं तो पहले से ही बोल रहा था कि ये भीमराव है ही मनहूस। न ये अपने जन्मदिन के मौके पर ये भोज वोज का नाटक वाटक करता और न ये लोग बेहोश होते। अरे इस समय भी तेरा मुंह बंद नहीं रहेगा क्या? बंद रख अपना मुंह। काका उठिए ना, हमें इन्हें जल्दी अस्पताल लेकर चलना होगा। जा बेटा टांगा लेकर, इन्हें अस्पताल लेकर चलते। हाँ। बाबा रुक जाओ भीम। सेठ जी,
तांगा मंगाने की जरूरत नहीं है राम जी। उठ मंगेश। हितेश भाऊ, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। नहीं नहीं कहानी नहीं, एक सच्ची घटना बताता हूँ। हमारे गांव सतारा में ना एक कसाई रहता था। छुट्टी के दिन हमारे दुकान पे चाय पीने आता था। उसकी बातों से ऐसा लगता था कि उसके मन में बहुत ही दुख, गम, अफसोस है। क्यों पता है? वो अपने काम से खुश नहीं था। उसे पता था वो जो कर रहा है ना वो गलत है। लेकिन आप उस कसाई से भी गिरे हुए और घटिया इंसान है। अरे मैंने क्या किया? तुम लोग यहाँ मेहमान बन करके आए, लुढ़क गए, इसमें मेरा क्या कसूर है? कसूर? मैं बताता हूँ तेरा कसूर। तूने खाने में जहर मिलाया, उसका क्या? झूठ है ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। मुझे बदनाम करना चाहते हैं ये। अल्लाह, अब आपको भी बदनाम करेंगे? इतने बुरे दिन हमारे नहीं आए हैं। पता है हितेश भाऊ, आप वो गिद्धड़ हो जो शेर का खाल भी पहन लो ना तो गिद्धड़ ही रहोगे। बस आपका नाम हितेश है और आप हित किसी का नहीं कर सकते। और आप ये सब जो कर रहे हैं ना, हमने सतारा में बहुत किया है भीमराव को परेशान करने के लिए ना, हम सब कर चुके हैं। हमें मत समझाइए और सच्चाई मान लीजिए। कुछ भी मत बोलो। कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, जो सही है वो बोल रहे हैं। याद कर जब तू यहां से चुपचाप निकला था, तभी मेरी नजर तुझ पे पड़ गई थी। मंगेश। जी सर जी। आपके पीछे पीछे हम दोनों भी गए थे और छुपकर आपको जहर लेते हुए भी देखा। सब ठीक था पर आपसे एक छोटी सी गलती हो गई। जब आप जहर को पीस कर हाथ धोने गए ना, हमने उसी वक्त पुड़िये को बदल दिया। याद आया? हितेश काका, क्या है ये सब? लोगों के जान का महत्व नहीं समझते आप? रोज उठ के मुझे परेशान करते हैं, वो ठीक है। मैं पढ़ाई ना कर सकूं इसलिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन खाने में जहर? आज इन लोगों के जान को कुछ हो जाता तो सबके सामने मैं कलंकित हो जाता। ए भीमराव, ये दोनों कहानी सुना दी और तुमने मान लिया? सब झूठ बोल रहे हैं। अरे ये कहे नहीं मानेगा, ये नहीं मानेगा। जब ये लोग एक जन्मदिन मनाने खातिर यहाँ आए हैं तो उनकी हाँ में हाथ तो मिलाएगा ही नहीं भीमराव। ए जोखू भाऊ, तुम तो चुप ही रहो। आज तुम या तुम्हारा कोई भी साथी कुछ नहीं बोलेगा। और आज जो भी भीम के खिलाफ एक शब्द भी बोलेगा ना, उसे हम हत्यारा मानेंगे और वो इस हत्या की कोशिश में शामिल माना जाएगा। अरे तुम लोग कुछ भी बोल रहे हो? हितेश भाऊ के खिलाफ कोई सबूत है क्या? बोलो, बोलो।